अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल नुमान इन सोहेब ट्यूटोरियल्स। तो हमने इंटरमीडिएट का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया है हीट, और हमने टॉपिक्स पढ़ी थी हीट और टेम्परेचर क्या होता है, उसके बाद हमने थर्मामीटर को डिस्कस किया था। आज हमारे टॉपिक है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टॉपिक क्या है आज? स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, या हम इस टॉपिक को ओ नाम दे सकते हैं टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। तो याद रखें, हमारे कोर्स के मुताबिक देर आर थ्री स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। देर आर थ्री स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के कितने स्केल्स हमने पढ़े हैं? तीन। कौन कौन से? सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। लेकिन याद रखें कि अगर हम थर्मामीटर की बात करते हैं तो थर्मामीटर के लिए याद रखें देयर आर टू फिक्स पॉइंट फॉर एनी थर्मामीटर। थर्मामीटर हैज टू फिक्स्ड पॉइंट्स। किसी भी थर्मामीटर को दो फिक्स पॉइंट होते हैं। वन इज कॉल्ड लोअर फिक्स पॉइंट। एक को लोअर फिक्स पॉइंट कहा जाता है, और जो लोअर फिक्स पॉइंट होगा जब हम पढ़ेंगे तो वो लोअर फिक्स पॉइंट का नाम क्या होगा? इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। या उस लोअर फिक्स पॉइंट को नाम दिया जाएगा क्या? इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और जो दूसरा फिक्स पॉइंट होता है उसको कहते हैं अपर फिक्स पॉइंट। अदर वन इज कॉल्ड अपर फिक्स पॉइंट। जो थर्मामीटर में दूसरा पॉइंट होता है उसको कहते हैं अपर फिक्स पॉइंट। और अपर फिक्स पॉइंट का नाम क्या होता है? इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है। और इसको और नाम भी दिया जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टीम पॉइंट। और जब हम ये रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो ये हम स्टैंडर्ड किसको बनाते हैं? वाटर। और किस प्रेशर पर? एट स्टैंडर्ड प्रेशर पर हम ये वैल्यूज बता रहे होते हैं। स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब वन एटमॉस्फेयर। या हम अगर पास्कल में बताना चाहें तो 101325 पास्कल होता है, या फिर अगर हम सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी में बताना चाहें तो 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी। ये सारे प्रेशर के यूनिट होते हैं। तो एक स्टैंडर्ड प्रेशर, दी लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट्स आर नेम्ड एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, एज दिस इज द लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब हम वन बाय वन जो स्केल्स पढ़ेंगे, कितने स्केल्स पढ़ेंगे? देयर आर थ्री स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। उसमें एक होगा, नंबर फर्स्ट वन है सेल्सियस स्केल को ओ नाम दिया जाता है सेंटीग्रेड स्केल। सेल्सियस चूंकि साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, तो सेल्सियस स्केल क्या होता है इसको डिफाइन करेंगे कि इट इज वन ऑफ द स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर वेयर देयर आर टू फिक्स पॉइंट्स। जैसे कि हर थर्मामीटर में होते हैं, यहां पर जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है इन सेल्सियस जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है जिसको हमने शॉर्टकट में लिखा है LFP, लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है वो कहलाता है, वो होता है इज क्या होता है? इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर जो होता है लोअर फिक्स पॉइंट का वो कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ये क्या होता है? बेसिकली
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है किस प्रेशर पर? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, रिमेम्बर। और उसके बाद जो सेल्सियस स्केल होता है इसमें जो अपर फिक्स पॉइंट होता है, यहाँ पर लिखेंगे एक अपर फिक्स पॉइंट होता है, वो होता है इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना है इंटरवल का, दैट इज 100। यस, द डिफरेंस बिटवीन लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 100 डिवियंस। 100 डिवियंस का डिफरेंस होता है और 1 डिवियन जो है इज नोन एज 1 डिग्री। ईच डिवियन इज कॉल्ड 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हर एक को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहेंगे, ठीक है। अगर यहां पर हम लेट सपोज थर्मामीटर को इस तरह से बनाए, ये है लेट सपोज एक थर्मामीटर, तो इस थर्मामीटर में इसको हम कहते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, इसको कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना टेम्परेचर रखना पड़ेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और लोअर फिक्स्ड पॉइंट टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो है ये कहलाएगा, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, इसको कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी स्टीम पॉइंट। और इसके बीच में ये जो डिफरेंस है ये कितना है, तो 0 से 100 मतलब देयर इज 100 डिवियन डिफरेंस, ठीक है। और हर एक डिग्री को क्या कहेंगे? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब हम डिफाइन करेंगे सेकंड स्केल, ओके। नेक्स्ट वन जो स्केल है नंबर सेकंड वन, दैट इज अ फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर को इस सिंबल से शो करते हैं, डिग्री फारेनहाइट। अब फारेनहाइट स्केल में भी सिमिलरली हम करेंगे, देयर आर टू फिक्स पॉइंट्स, उसमें यहां पर लिखेंगे इन फारेनहाइट स्केल द लोअर फिक्स पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है दैट इज 32 डिग्री फारेनहाइट। लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 32 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। और जिसको नाम दिया जाएगा इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एंड इसमें जो अपर फिक्स पॉइंट टेम्परेचर होता है दैट इज 212 डिग्री फारेनहाइट। अपर फिक्स पॉइंट 212 डिग्री फारेनहाइट, यानी ये क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 32 होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और 212 जो है 212 ये होगा दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ओके। और उसके बाद अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कैसे मालूम करेंगे? अपर फिक्स पॉइंट से लोअर माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम थर्मामीटर ले सपोज ये शो करें, दिस इज अ थर्मामीटर, फारेनहाइट स्केल यहाँ पर हमने शो किए, तो इसको कहेंगे लोअर फिक्स पॉइंट और ये होगी अपर फिक्स पॉइंट। यहाँ पर टेम्परेचर लिखना पड़ेगा 32 डिग्री फारेनहाइट, यहाँ पर होगा टेम्परेचर 212 डिग्री फारेनहाइट। अब इनके बीच में अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हो रहा है 180 का, 180 का डिफरेंस है। और यहाँ पर अगर 180 का डिफरेंस है तो 1 डिग्री ईच जो डिवियन होगा, ईच डिवियन इस कॉल्ड इसको कहेंगे 1 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। ये फारेनहाइट स्केल के बारे में हमने पढ़ा। और इसी तरह हम नंबर थर्ड वन की बात करेंगे। थर्ड वन स्केल इज केल्विन स्केल, नंबर थर्ड वन इज केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। याद रखें बच्चों, जो केल्विन है वो आपको पता है इट इज ऐसा यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। और केल्विन स्केल को और नाम दिया जाता है, इट इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, जिसमें एब्सोल्यूट जीरो का भी कॉन्सेप्ट आगे आएगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का। लेकिन इस स्केल को नाम दिया जाता है एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। अब इसमें हम बताएंगे कि जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है टेम्परेचर वो कितना होता है, जिसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है 3873 केल्विन। एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है इसमें 373 केल्विन, ठीक है। 273 केल्विन जो है इट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और ये 373 इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ओके।
और याद रखें कि इसमें डिफरेंस कितना होता है, तो डिफरेंस आप देख सकते हैं 373 माइनस 273 डिफरेंस आ रहा है 100 का, डिफरेंस इज 100। अब 100 डिफरेंस है तो ईच डिग्री, ईच डिवीजन जो है वो क्या कहलाएगी, 1 केल्विन। ईच डिवीजन इज कॉल्ड 1 केल्विन। ओके, यहां तक नोट करें। अब हम इन्हें तीनों में देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, कौन सी स्केल बड़ी है कौन सी छोटी। तो अब हम जो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हैं, तीनों ही हम एक साथ यहाँ पर बनाते हैं। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में मैं यहाँ पर ये थर्मामीटर बना रहा हूँ, इसको इमेजिन करें कि ये थर्मामीटर है, लेकिन कौन सी स्केल है, इट इज अ सेल्सियस स्केल। ठीक है, नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 पर यहां पर मैं लिख रहा हूं फारेनहाइट स्केल, और ये इमेजिन करें कि ये एक थर्मामीटर जिसमें स्केल कौन सी है, फारेनहाइट स्केल। ठीक है, सिमिलरली नंबर 3rd वन यहां पर केल्विन स्केल, और केल्विन स्केल को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट स्केल। यहां पर इमेजिन करें कि यहां पर मैं एक थर्मामीटर शो कर रहा हूं जिसमें मुझे लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट को शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो हैं इनके लोअर फिक्स पॉइंट नाम दे देते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अब ये लोअर फिक्स पॉइंट जो हैं ये सारे यहां पर अगर इनको मैं इस तरह से डॉट दे दूं, ये जो पॉइंट्स हैं थर्मामीटर के, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, और ये जो अपर फिक्स पॉइंट है यहां पर मैं इनको डॉट दे रहा हूं, ये क्या है, ये पॉइंट शो कर रहे हैं इनके अपर फिक्स्ड पॉइंट। अब यहां पर मैं शो कर रहा हूं अपर फिक्स्ड पॉइंट, और आपको टेम्परेचर के वैल्यूज का भी पता होना चाहिए। जैसे अगर ये सेल्सियस स्केल है, यानी इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं, तो लोअर फिक्स पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा कितना होगा, जैसे मैंने आपको बताया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और अपर फिक्स पॉइंट का टेम्परेचर होगा इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इनके बीच में ये जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 डिग्री का डिफरेंस है। सिमिलरली ये जो सेकंड वन है, इट इज अ फारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर, इसमें ये जो लोअर फिक्स पॉइंट है इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 32 डिग्री फारेनहाइट, और ये जो अपर फिक्स पॉइंट है इसका टेम्परेचर है 212 डिग्री फारेनहाइट। ओके, और इस बीच में डिफरेंस अगर हम बात करें तो 212 से 32 माइनस करेंगे तो आपको 180 का डिफरेंस मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें केल्विन स्केल की, तो केल्विन स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट है 273 केल्विन और अपर फिक्स पॉइंट 373 केल्विन। ठीक है, और इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 100 का, ये हमने एक साथ बनाए। ओके, अब देखें कि डिफरेंस किसका इक्वल है, तो सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल का जो डिफरेंस है वो इक्वल है, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस की और 1 केल्विन केल्विन स्केल का, ये दोनों साइज में या लेंथ में इक्वल होते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट याद रखने की है कि लेंथ वाइज अगर हम बात करें, लेंथ वाइज या हम कहेंगे इन साइज, साइज में जो इंटरवल है ईच डिग्री ऑफ 1 सेल्सियस ये इक्वल है 1 केल्विन के। अगर 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है तो केल्विन में भी 5 डिग्री ही क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, चेंज होगा, क्योंकि इंटरवल दोनों के क्या है, इक्वल है, इंटरवल दोनों के इक्वल है केल्विन और सेल्सियस के। लेकिन अगर याद रखें कि यहाँ पर फारेनहाइट स्केल के 180 पार्ट्स हैं और सेल्सियस के 100 पार्ट्स हैं, तो ये बता सकते हैं आपके सेल्सियस और फारेनहाइट में से किसकी 1 डिग्री ज्यादा बड़ी होगी, लार्ज किसकी होगी। तो यानी अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, लेट सपोज के इस मार्कर के अगर हम 100 टुकड़े करें, इस मार्कर के 100 पार्ट्स करें, और इस मार्कर के दूसरी मार्कर के 180 पार्ट्स करूं, 180 कैसे करूं,
तो मुझे बताओ जो एक एक टुकड़ा होगा इस 100 टुकड़े वाली मार्कर का एक एक टुकड़ा बड़ा होगा या इस 180 वाली मार्कर का एक एक टुकड़ा बड़ा होगा। तो देख सकते हैं इसके हम 100 टुकड़े करेंगे तो एक एक टुकड़ा इसका कुछ साइज में बड़ा होगा एज कम्पेयर टू द मार्कर जिसके हमने 180 टुकड़े किए, तो उनके जो टुकड़े बनेंगे वो क्या बनेंगे, छोटे बनेंगे। तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि सेल्सियस स्केल की 1 डिग्री सेंटीग्रेड बड़ी होती है इससे 1 डिग्री फारेनहाइट। तो यानी याद रखें कि डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फारेनहाइट से बड़ा। अब क्वेश्चन ये है कि कितना बड़ा होता है, तो हम अगर लेंथ वाइज की बात करें, लेंथ वाइज जो डिफरेंस आ रहा है ये 100 का जो डिफरेंस है 100 जो डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज है ये इक्वल है इसके 180 डिग्री फारेनहाइट। ये इसका 100 का डिफरेंस इसके 180 डिफरेंस के इक्वल है। अब यहां से इसको सॉल्व करके देखें तो 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल 180 अपॉन में 100 डिग्री फारेनहाइट, ये 0 0 कट जाएगा, बाकी बचेगा 18/10 और यहां पर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें 9 to 18 5 to 10 यानी 9/5 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट से बड़ा होता है 9/5 times अगर 9/5 यानी इसको डेसिमल में लिखें तो ये आपको आएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1.8 डिग्री फारेनहाइट। 1.8 टाइम्स होता है फारेनहाइट इक्वल टू 1 सेल्सियस, सेल्सियस यानी उसकी 1 डिग्री ज्यादा होती है 1 डिग्री फारेनहाइट। सेम प्रोसीजर है केल्विन का, केल्विन और सेल्सियस क्योंकि बराबर ही तो केल्विन स्केल की 1 केल्विन जो डिग्री होगी वो फारेनहाइट से 1.8 टाइम्स ही क्या होगी ज्यादा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये 3 वैल्यूज लोअर फिक्स पॉइंट के तीनों स्केल्स में, अपर फिक्स पॉइंट के तीनों स्केल्स में ये वैल्यू, और 3 वैल्यू हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि हम सेहतमंद हैं तो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो ये भी याद रखने की चीज है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 98.4 डिग्री फारेनहाइट, इन फारेनहाइट 98.4 डिग्री फारेनहाइट, या इसका अगर वैल्यू 98.6 डिग्री फारेनहाइट बताना चाहे तो भी ठीक है, 98.4 या 98.6 डिग्री फारेनहाइट, दिस इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ये किस स्केल में है, यह है फारेनहाइट स्केल। सिमिलरली अगर सेल्सियस स्केल में बताना चाहे तो या तो 36.88 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, दोनों ही वैल्यूज यूज होते हैं। और केल्विन स्केल में भी वैल्यूज है, वो भी अगर आप याद करना चाहें तो 309.88 केल्विन या हम 310 केल्विन, इन केल्विन स्केल ये जो वैल्यूज हैं इनको कहते हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर्स, ये भी वैल्यूज आपको याद रखने जरूरी है। ठीक है, खुदा हाफिज़।